हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 3, टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। तो देखिए, इसमें दो स्टोरीज़ हैं फ्लाइंग के बारे में। एक स्टोरी जो है, पहली स्टोरी, वो एक सीगल के बारे में है। तो सीगल जो है वो एक बर्ड होती है जो कि सी के पास रहती है, समुद्र के पास, पानी के पास रहने वाली एक बर्ड है सीगल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा जो है कि एक एरोप्लेन एक पर्सन उड़ाता है, उसके बारे में। तो देखिए, पहली स्टोरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, स्टार्टिंग में हमें एक ये बताते हैं कि जो पूरा मैं आपको बता देती हूँ कि चैप्टर का स्केच अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें कि पूरे चैप्टर में क्या है, तो ये ना दो स्टोरीज़ जो है वो ब्रेवरी के बारे में और कावर्डाइज के बारे में। ब्रेवरी होती है हमारी हिम्मत, कावर्डाइज होती है डरपोक होते हैं, उसे कावर्ड कहते हैं। तो ये ना रिलेटिव टर्म्स है। हम लोगों को जो है हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए, कभी भी होप नहीं लूज़ करनी चाहिए, हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, चाहे हम डेंजर में हों और हम लोग जो हैं अपनी सारी कंडीशंस को से बाहर निकल ही जाते हैं अच्छी तरीके से, अगर हम लोग हिम्मत से काम लें तो। तो देखिए, पहली जो स्टोरी है उसको देख लेते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन इन हिज लेज। तो देखिए, यंग सीगल जो था वो अलोन था, अकेला था अपने लेज में। देखिए, लेज होता है एक हॉरिजॉन्टल, मतलब इस तरीके से जो है शेल्फ टाइप का होता है, जिस पे जैसे कि आप बैठ सकते हैं या कोई सामान रख सकते हैं, है ना। तो वहाँ पर जो था यंग, मतलब जो बिल्कुल जवान छोटा सा जो सीगल था, वो लेज पे बैठा था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। तो उसके जो दो भाई और एक बहन थी, वो एक दिन पहले ही फ्लोन अवे, मतलब वो एक दिन पहले ही जो है उड़ना सीख चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। और उसको जो ये सीगल था जिसकी स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, उसको डर लग रहा था, वो अफ्रेड था, मतलब डरा हुआ था फ्लाई करने से, उड़ने से। सम हाउ वेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकम अफ्रेड। और फिर जैसे उसने सोचा कि वो अटेम्प्ट किया, उसने मतलब ट्राई किया पीछे की तरफ से, ऐसे कहते हैं ना हम लोग जब भागते हैं तो हम लोग बैक साइड से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे की तरफ जाते हैं, तो भागना जैसे उसने स्टार्ट किया, अपने विंग्स को फ्लैप किया। फ्लैप करने का मतलब होता है जैसे कि विंग्स को ऊपर नीचे करना, विंग्स को फड़फड़ाना। उसने काफ़ी ट्राई किया, अपने विंग्स को फ्लैप भी किया, मगर फिर भी उसको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन नीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। उसको लग रहा था कि अभी तो मैं सेफली हूँ और अगर मैं उड़ूंगा तो जो सी है वो कितना बड़ा है, ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, मतलब वो कितना ज़्यादा बड़ा है, माइल्स डाउन और बहुत ही ज़्यादा गहरा है। तो उसको ये सब सोच करके डर लग रहा था। ही फील सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, सो ही बेंड हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। फिर उसको पूरा मतलब ऐसा विश्वास हो गया था कि जो है विंग्स उसके उसके बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे, तो उसने क्या किया, अपना सर झुकाया और वापस लेज में, उस होल में घुस गया जिसमें वो रात को सोया था। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन रन टू द ब्रिंक फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। और जो है जबकि उसके जो छोटे भाई बहन थे उससे भी छोटे थे, जिनके विंग्स उससे, जैसे उसकी छोटी बहन थी जिस सीगल की हम बात कर रहे हैं, उसकी बहन के विंग्स उससे भी छोटे थे, और फिर भी वो बहुत ही आराम से ब्रिंक तक, मतलब बहुत ही आगे तक, एज तक, ब्रिंक का मतलब तो बिल्कुल किनारों किनारों तक सीके उड़ करके जा रहे थे वो लोग। मगर ये वाला जो हमारा सीगल था जिसकी स्टोरी है, वो काफ़ी मतलब डरा हुआ था। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. फिर प्लंज का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर जो वर्ड है प्लंज का मतलब होता है डाइव करना, मतलब जैसे कि वो लेते हैं ना डाइविंग करते हैं हम लोग स्विमिंग के टाइम पे, वैसे ही मतलब एक तरह से नीचे की तरफ ऊपर जा कर के डाइव करना और मतलब उड़ पाना। और मस्टर अप का मतलब होता है गैदर, मस्टर अप करेज का मतलब होता है वो जो हिम्मत है वो इकट्ठा नहीं कर पा रहा था उड़ने के लिए, जैसे वो उड़ना चाहता था मगर उड़ने के लिए वो हिम्मत को इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम श्रिली, अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टाफ ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। तो अपब्रेजिंग का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे जो वर्ड है अपब्रेजिंग, अपब्रेजिंग का मतलब होता है स्कोल्ड। स्कोल्ड मतलब क्या होता है, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, तो उसको डांट रहे थे, धमका, थ्रेट का मतलब होता है धमका भी रहे थे और कह रहे थे कि वो उसको स्टाफ, मतलब
भूखे उसको मरने देंगे अगर वो अपने लेज से, मतलब लेज जैसे कि आप ये समझिए बाबा लेज वर्ड आ रहा है ना, जैसे कि मान लीजिए एक लड़की का पट्टा है जहाँ पर ये लोग सब लोग रहते हैं, तो वो उसका लेज है, तो वो कहते हैं कि वॉकर लेज से उड़ेगा नहीं, उसके पेरेंट्स ऐसा बोल रहे थे, तो वो उसको खाना भी नहीं देंगे और वो भूखा मर जाएगा। बट फॉर लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, मतलब फिर भी उसे इतना डर लग रहा था कि इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी वो मूव नहीं कर पा रहा था। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, तो 24 घंटे हो चुके थे। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और अब बहुत टाइम हो गया था, वो नहीं उड़ पा रहा था और डर रहा था बहुत ज़्यादा। तो 24 घंटे सब ने उसको समझा लिया, धमका भी लिया, बट वो नहीं उड़ रहा था। तो कोई 24 घंटे हो चुके थे, कोई भी उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर प्रिटेंडिंग देम सॉरी परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। तो फिर एक दिन पहले से ही वो अपने पेरेंट्स को देख रहा था, अपने भाई बहनों को देख रहा था किस तरीके से वो आर्ट जो होती है ना उड़ने की, उसमें वो लोग परफेक्ट हो रहे हैं और कितना अच्छे से वो लोग जो है उड़ना सीख रहे हैं। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट। तो फर्स्ट जो हेरिंग होता है सॉफ्ट फाइंड सी फिश होती है, तो उसका जो बड़ा भाई होता है जो सीगुल की स्टोरी है, वो अपना पहला शिकार भी पकड़ लेता है। क्या होता है उसका पहला शिकार, वो होती है एक हेरिंग। हेरिंग होती है एक तरीके के फिश, हो उसकी फिश एंड डेवर इट। डेवर इट का मतलब उसका ग्रेट आप कह सकते हैं स्वाद लेकर के खाना, वो कहते हैं डेवर लेकर के वो उसको खा रहा था जो उसने अपना पहला शिकार पकड़ा था। और स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। और वो वहाँ पर खड़ा हुआ था जब उसके जो पेरेंट्स थे वो क्रैकलिंग साउंड, मतलब एक तरह से आप समझ जैसे कि तालियों के साउंड इस टाइप की हो, क्योंकि उसके पेरेंट्स काफ़ी प्राउड फील कर रहे थे कि उसके बड़े भाई ने जो है वो अपना शिकार पकड़ना सीख लिया है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन अ बिग प्लेट्यू मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डाइज। तो पूरे दिन जो है वो पूरी फैमिली वहाँ पे क्लिफ पे इधर उधर, क्लिफ होता है माउंटेन, माउंटेन या फिर जिस जगह पर वो थे उस वहाँ पर घूम रहे थे सारे के सारे लोग फैमिली मेम्बर्स, और वो जो सीगल उड़ नहीं पा रहा था उसको टोंट मार रहे थे, उसकी कावर्डाइज से। टोंट मतलब होता है ना, टोंट तो आपको पता ही है कि जैसा टोंट मारते तो कैसा है ये वो इस टाइप की सब चीज़ें टोंट होती हैं, तो टोंट मार रहे थे उसको उसकी कावर्डाइज के लिए, मतलब वो जो वो था ना नहीं उड़ पा रहा था डरपोक था उसके लिए उसे टोंट मार रहे थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, तो सन जो है वो असेंड हो रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द नॉर्थ ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। अब जो है सन भी चढ़ रहा था और तो ऐसा लग रहा था कि मतलब उसको और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है सूरज के आने से, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other. फिर वो उसने slowly slowly जो है step आगे किया, जिस ledge पर वो था उससे उसके brink पर आ गया, मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए उसके कोने पर आ गया और आगे बढ़ रहा था, और अपने एक पैर पर वो खड़ा हुआ था और एक पैर जो था उसका छुपा हुआ था उसके विंग के नीचे। उसने अपनी आँखें बंद करी, मतलब एक आंख बंद करी देन द अदर एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग अस्लीप। तो एक आंख उसने बंद करी और दूसरी आंख से मतलब ऐसा प्रिटेंड कर रहा था, प्रिटेंड कर रहा मतलब जैसे कि प्रिटेंड करने का मतलब तो होता है थोड़ा नाटक टाइप का करना कि वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और फिर भी किसी ने भी उसी उसकी तरफ नहीं देखा। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इन टू देयर नेक्स। और फिर वो देख रहा था कि जो उसके दो भाई हैं और उसकी जो बहन है वो प्लेट्यू पर हैं, लेटे हुए हैं, और डोजिंग का मतलब होता है फीलिंग स्लीपी, डोज करने का मतलब होता है कि नींद से आ रही हो। तो प्लेट्यू वाला जो एरिया, वो जो इलाका था जहाँ पर वो बैठे हुए थे, वो डोज कर रहे थे जैसे कि स्लीपी स्लीपी से थे। विद देयर हेड संक इन टू देयर नेक्स, और उनके जो हाथ थे सॉरी उनका जो हेड था सर था वो उनके हाथों के अंदर जैसे धंसा हुआ था, सो रहा था, मतलब सो रहे थे वो लोग। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके जो फादर थे वो प्रीन कर रहे थे, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, मतलब जैसे कि अपने फेदर्स को सही तरीके का करने की कोशिश कर रहे थे उसके फादर जो थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, और सिर्फ उसकी मदर जो है वो उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, तो जैसे प्लेट्यू का ऐसे इलाका होता है ना, तो यहाँ पर सब लोग मान लीजिए रह रहे थे, सो रहे थे, तो उसकी जो मदर थी सिर्फ वही उस सीगल की तरफ देख रही थी जो
मतलब डर रहा था उड़ने से। फिर बाकी सब लोग तो अपने अपने काम में थे एक तरह से। फिर वो उसकी मदर जो थी थोड़े से हाई वाले एरिया पे खड़ी हुई थी प्लेट्यू के, विद हर वाइट प्रेस थ्रस्ट फॉरवर्ड, और मतलब जैसे कि आगे अपना जैसे कि ना सीना चौड़ा करके जैसे खड़े होते हैं वो वाली चीज़ कही गई है। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। तो फिर जैसे कि रॉक पे अपनी बीक लगा रही थी और जो फिश थी उसके पैरों के नीचे उसको टोर कर रही थी, मतलब उसको फाड़ रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, अब वहाँ क्योंकि वो खाना था वहाँ पर, है ना। ये देखिए यहाँ पे ये है क्लिफ और ये है सी, ये बर्ड्स हैं, इसके बारे में बात की गई है। तो अब मदर के पास तो खाना था और जो खाना देख करके उसने तो 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं था उस सीगल ने तो, है ना, क्योंकि पेरेंट्स ने और भाई बहनों ने कहा था कि अब खुद अपना खाना ढूंढना सीखो, उड़ना सीखो, वरना कुछ नहीं मिलेगा। इस टाइप की बातें वहाँ पे चल रही थी क्योंकि कोई उससे बात नहीं कर रहा था और मदर के पास तो फिश थी। तो खाना देख करके ही उसको मतलब जैसे मैडेंड हो गया, मैडेंड का मतलब है जैसे वो पागल टाइप का हो गया खाना देख के, उसको इतनी भूख लग रही थी। नाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। तो वो चाह रहा था कि उसको भी इस तरीके से जो खाना टीयर तोड़ के तो खाता है, खाना उसको तोड़ने के लिए मिल जाए, स्क्रैप करने के लिए मिल जाए अपनी बीक से, और वेट एंड अगेन टू वेटेड, और फिर मतलब जैसे उसकी जो शार्पन वीट शार्पन जो उसकी बीक है, उसकी चोंच जो पेनी नोक है, उससे वो खाने को तोड़ सके, इस टाइप का वो सोच रहा था। गा 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 द ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और फिर वो रोने लगा अपनी मम्मी के सामने कि मतलब प्लीज़ मुझे कुछ खाना दे दो, गाओ कोला इस टाइप से। शी स्क्रीम्ड बैक डेरिजाइवली, तो डेरिजाइवली मतलब होता है इन द मैनर शोइंग समवन दैट शी, मतलब इस तरीके से जैसे उसने खाना मांगा फिर उसकी माँ ने आप समझ लीजिए उस पर चिल्ला दिया कि वो कितना बेवकूफ़ है, और इस तरीके की इस तरीके से उस पर जो है वो चिल्ला दिया। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। फिर उसके बाद बार बार वो खाना मांगता रहा, बट फिर जो है थोड़ी देर बाद एक अटर जॉयफुल स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब जो होता है चिल्लाना, जॉयफुल मतलब एकदम से क्या हुआ, खाना मांगते मांगते वो थोड़ी खुशी के साथ जैसे एकदम से वो चिल्ला टाइप का उठा। क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। अब वो एकदम से खुशी से क्यों चिल्ला उठा? क्योंकि उसकी मदर जो है वो एक फिश का बार बार वो खाना मांग रहा था, उसकी मदर ने फिश का एक टुकड़ा उठाया और उसके पास को आ गई लेकर के। ही लीन्ड आउट, फिर वो मतलब आगे की तरफ झुका ईगरली, बहुत ही मतलब उत्सुकता से वो आगे की तरफ झुका, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। और फिर वो जो है अपने पैर को टैप कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि वो अपनी माँ के पास को चला जाए ताकि उसको खाना ईजिली मिल जाए। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। अब फिर जैसे ही ऑलमोस्ट उसकी माँ जो है उसके पास आ गई थी बीक में फिश का टुकड़ा लेकर के, वो हॉल्ट हो गई। हॉल्ट का मतलब है वो वहीं पर जो है वो रुक गई। फिर क्या हुआ? ही वेटेड अ मूवमेंट इन सरप्राइज, फिर एकदम से सरप्राइज में जो सीगल है जो नहीं पा रहा है वो सरप्राइज में वेट किया उसने इस मतलब कि उसको खाना मिलेगा। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और वो वंडर कर रहा था, सोच रहा था कि उसकी माँ जो है वो अब उसके पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, वो हंगर की वजह से भूख की वजह से पागल भी हो रहा था। ही डाइव एट द फिश, तो डाइव एट द फिश का मतलब एकदम से वो लपक टाइप का गया फिश की तरफ। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इन टू द स्पेस, और लपक गया तो एक बहुत ज़्यादा मतलब चिल्लाया टाइप का, और वो आगे की तरफ और ऐसा लगा जैसे कि हवा में नीचे की तरफ वो लटक गया हो और गिर टाइप का गया हो। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड है, मॉन्स्टरस टेरर का मतलब होता है कि बहुत ही भयंकर डर को मतलब उसके मन में एक जैसे दहशत सी आ गई। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल जैसे धड़कना एक तरह से बंद हो गया हो। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, और ये सारी चीज़ सिर्फ एक ही मिनट के लिए लास्ट की और फिर थोड़ा सा ठीक हो गया। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और ऐसा लगा जैसे कि जो विंड है जो हवा है वो उसके पूरी बॉडी को चिल करता हुआ ठंडी करती हुई निकल गई हो। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वो ये फील कर पा रहा था कि उसके जो विंग्स हैं मतलब जैसे कि जैसे उड़ने में फील होता है ना बर्ड्स को उनके जो विंग्स के पंखों के नीचे से हवा निकल रही है, ऐसा वो फील कर पा रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, और वो उसको ऐसा नहीं लग रहा था, हेड लॉन्ग का मतलब हेड डाउनवर्ड, अब वो
हेड लॉन्ग का यहाँ पे मतलब है वो नीचे की तरफ नहीं गिर रहा था, उसके पंख खुले थे, वो हवा फील कर पा रहा था मगर वो नीचे की तरफ नहीं गिर रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और वो अब नहीं डरा हुआ था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसको थोड़ा सा डिजी कन्फ्यूज सा वो था, डिजी का मतलब होता है कन्फ्यूज, बस वो थोड़ा सा कन्फ्यूज था। ही देन फ्लैप्ड हिज विंग वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और फिर उसने अपने विंग्स को फिर से फ्लैप किया और सोर्ड अपवर्ड ऊपर की तरफ उड़ गया, गागा 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 मतलब इस टाइप का करते हुए। मदर सूप्ड पास्ट हिम, सूप मतलब पाउंस्ड मतलब एक तरीके से निकल जाना उसके पास से। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, मतलब बिल्कुल उसके पास से निकली उसकी मदर और काफ़ी तेज़ आवाज़ कर रही थी उसके मदर के विंग्स। ही आंसर्ड हर्ड विद अनदर स्क्रीम, मदर ने जो स्क्रीम की थी, बच्चे जो सीगुल था उसने भी अपनी मदर को आंसर किया एक मतलब एक तरीके से अलग तरीके की चीख निकाल करके। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, फिर उसने देखा कि वो उसके जो फादर हैं, फादर ने भी स्क्रीम किया उसी तरीके से, उसके ब्रदर सिस्टर उसके अराउंड जो है फ्लाई करने लगे। करवेटिंग मतलब मूविंग विद अ एक्शन रिजेंबलिंग अ हॉर्स लीप, मतलब गोल 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 घूमने लगे, सोर करने लगे, थोड़ा चिल्लाने लगे, डाइव करने लगे उसके अराउंड। ही देन कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, अब क्या हो रहा था वो ऊपर की तरफ उठ करके वो उड़ने लगा था, और फिर सारे उसके जो घर वाले थे उसके मम्मी पापा उसके पेरेंट्स उसके भाई बहन सब उसके आसपास चक्कर लगा रहे थे वो, क्योंकि वो उड़ रहा था, उसको सब लोग सपोर्ट कर रहे थे, उसको इनक्रेज कर रहे थे उड़ने के लिए। फिर उसको बिल्कुल ये कभी जब वो उड़ रहा था तो उसको फील नहीं हुआ कि वो पहले कितना डरता था, वो क्यों डरता था, और वो आराम से जो है वो उड़ पा रहा था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूजेडली, और फिर उसने देखा कि उसके नीचे जो है पूरा ग्रीन ग्रीन सा सी था और उसने अपनी बीक को साइड करा और मतलब काफ़ी खुश था वो पूरा का पूरा जो वो उड़ पा रहा था। कॉर्ड का मतलब होता है मेक अ कॉइंग साउंड, जो कॉ कॉ करके इस टाइप की वो साउंड निकाल रहा था। अम्यूजेडली मतलब काफ़ी खुशी के साथ वो इस तरीके की साउंड निकाल रहा था। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रिली, फिर ग्रीन फ्लोरिंग मतलब जैसे कि एक तरीके से ग्राउंड टाइप का आ गया था तो सब लोग वहाँ पर चले गए और फिर उसको बैकन कर रहे थे, मतलब उसको सिग्नल कर रहे थे वहाँ पर आने के लिए, श्रिली कॉलिंग श्रिली मतलब तेज़ी से उसको तेज़ आवाज़ में बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और जो ग्रीन हरा हरा सा समुद्र था जो ऐसे ग्रीन मैदान जैसे लग रहा था उस पर उसने अपना पैर टिकाया। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और उसका पैर ऐसे जैसे डूब गए उसमें। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, और फिर वो चिल्लाया, वो काफ़ी मतलब डरा हुआ था और उसने अटेम्प्ट किया अपने विंग को फड़फड़ा करके कि वो ऊपर उठे क्योंकि उसका पैर पानी में नीचे डूब गया था। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, और वो क्योंकि थका हुआ था उड़ने के बाद और फिर वो वीक भी था क्योंकि वो भूखा था, वो ऊपर नहीं उठ पा रहा था। एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ था बाय स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस जो पूरी एक्सरसाइज में उसे काफ़ी वो थक गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर, अब वो ऐसा लग रहा था उसके पैर जो हैं वो नीचे की तरफ जो है धंसते जा रहे हैं, फिर उसकी जो बेली उसके पेट ने पानी को टच कर लिया और फिर वो उसके दोबारा आगे फिर वो और नहीं डूबा, जब उसका पेट टच हो गया ना पानी पे फिर वो नहीं डूबा, सैंक नो फर्दर मतलब और ज़्यादा वो नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी पे फ्लोट कर रहा हो तैर रहा हो। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और फिर उसकी फैमिली के जो सारे मेम्बर्स थे उसके आस पास से वो उसको इनक्रेज कर रहे थे, उसको प्रेस कर रहे थे, उसकी तारीफ़ कर रहे थे और अपनी बीक से उसको खाना ऑफ़र कर रहे थे, मतलब डॉग फिश जो है उसको खाना ऑफ़र कर रहे थे। और क्योंकि सब लोग बहुत खुश थे और सब लोग इसलिए बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि ये जो सीगल जो पहले उड़ना नहीं चाह रहा था, डर रहा था, अब उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली थी और वो उड़ गया था। तो देखिए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो हमारा हो गया है कंप्लीट, ये वाला जो फर्स्ट स्टोरी थी, इसकी सेकेंड स्टोरी अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ, सॉरी नेक्स्ट वीडियो तो मैं अपलोड करूँगी, पूरी बुक आपकी कंप्लीट करवाऊँगी, क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। और आपको एक और चीज़ बतानी है कि सीगुल को हिंदी में ये कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो थैंक यू।